पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब मैं तुम्हारा एक प्रकार का टेस्ट लूंगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और इसमें कुछ जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसके चार ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक आंसर तुम्हें उसका चुनना है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें बड़े समूह, कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग, कुल आय आदि से होता है, क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन समष्टि अर्थशास्त्र, बी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी सांख्यिकी अर्थशास्त्र, डी जनसंख्या अर्थशास्त्र। बताओ क्या होगा इसका। एक जन हाथ खड़ा करें, क्या होगा सर। ए। तो ए को हम ठीक करके देखते हैं कि इसका आंसर सही है या गलत। तो इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, वे आर्थिक चक्र जिनका संबंध एक समय काल से होता है, क्या कहलाएगा। ए आश्रित चर, बी प्रवाह, सी स्वतंत्र चर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या आएगा। बी। हम देखते हैं इसका आंसर तुम लोगों ने बोला सही है या नहीं। तो आपको उत्तर सही निकला बी। अब अगला प्रश्न पढ़े। तीसरा, एक फर्म से परिवार को और मुद्रा का भुगतान किया जाता है, उसे क्या कहेंगे। आय प्रभाव, मुद्रा प्रभाव, पूंजी प्रभाव या कोई पक्ष नहीं, क्या है ना। सी तुम्हारा उत्तर। हम फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या आता है, ठीक है। मुद्रा, ठीक है।